अरे भाई सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग सब? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग निकल रहे हैं एक राइड पर। इस राइड की मजेदार बात ये है कि अभी तक हमने डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया है, बस सोचे हैं कि सेलम तक जाएंगे, सेलम से सोचेंगे, या सेलम से पहले कहीं ब्रेक लेंगे तो सोचेंगे कहाँ जाना है कर। फिलहाल अभी डेस्टिनेशन का कोई अता पता नहीं है, बस दोस्तों के साथ राइड पर निकल गए हैं। अभी एक और फ्रेंड जो है वो अति पहले टोल के पास ही मिलेगा हमको, क्योंकि उसका घर उधर से नजदीक पड़ता है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स लोगों के साथ। सब KTM ले चुके हैं। अब नेक्स्ट मेरी बारी है, मैं कब लूंगा देखते हैं। ये है ड्यूक 200, ये एडवेंचर 250, और अभी जो रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली है एडवेंचर 390। और इतना जल्दी निकलने का मजा ही अलग है, ट्रैफिक नहीं मिलता है, आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। हालांकि नरेन आ चुका है, गाड़ी लाइंड अप हो गई है। 390 एडवेंचर, 250 एडवेंचर, 200 ड्यूक, ये अपनी करिश्मा। फोटो सेशन हो रहा है, उसके बाद निकल रहे हम लोग। आखिरकार अति पहले टोल हम लोग पहुंच गए, बस अभी इसको क्रॉस करते हुए। बाइकर्स के लिए ये एक एडवांटेज है, टोल देना नहीं पड़ता। बढ़िया है। वेलकम टू तमिलनाडु कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस। चलिए अपने को वेलकम कर दिया और मैसेज भी आ गया है कि आप एंट्री कर चुके हो। अभी मजे की ये एक बात है कि नरेन और प्रशांत एक जगह पहुंच गए हैं, पता नहीं उन्होंने कौन सा लेफ्ट लिया, आइडिया नहीं है उनको, कुछ और बता रहा था गूगल मैप, और हम लोग आगे आ गए थे। हम दोनों अभी साथ में, वो दोनों अभी साथ में है। अब देखते हैं डेस्टिनेशन कहाँ मिलाती है। अनोनिमस राइड, नाम सही दिया है बाबा। और ये तो कोई गाँव के अंदर से लेकर जा रहा है हम लोगों को। ब्यूटीफुल इंडिया यार, ब्यूटीफुल इंडिया। घूमने से बहुत कुछ दिखता है, बहुत सारे पीकॉक्स है उधर, पूरे पीकॉक्स, इतने सारे पीकॉक्स उधर। ऐसा भी हो सकता है दोस्त लोग साथ में और बिछड़ गए, अब पता नहीं बिछड़े हुए दोस्त कहाँ मिलेंगे। मगर ये वाला रोड बहुत ऑसम है, ऑसम से भी ऑसम है। अभी जस्ट मेरी नरेन से बात हुई है, हम लोग कहीं गांव के अंदर घुस गए थे और गांव के अंदर घुस गए, एक तरफ से अच्छा हुआ, इतने सारे खेत देखे। ओहो, ये एक रिवर क्रॉसिंग ब्रिज, कौन सी नदी है पता नहीं है, नदी के पास में एक मंदिर बना हुआ है, थोड़े बहुत लोटस ग्रो हुए हुए, इतना फ्रेश एयर लग रहा है, खुशबू अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है बस नाक में घुस रही है, और भूख ज़्यादा बढ़ रही है। ओह, आखिरकार हम लोग मिल गए आखिरकार। चलो देखते हैं, अभी एक थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। A few moments later. बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, अभी थोड़ा सा हाइड्रेट हुआ है, और फाइनली अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ से पौंडीचेरी नजदीक है, तो पौंडीचेरी की तरफ जा रहे हैं सब कोई। मैंने बहुत मना किया क्योंकि मैं रिसेंटली पौंडीचेरी गया था, मगर मेजॉरिटी तीनों की थी, तो फिर पौंडीचेरी जा रहे हैं अब। हालांकि यहाँ पर एक जगह रोके हैं, इतनी गर्मी थी इसके लिए हाइड्रेट करने के लिए नींबू पानी बोला हुआ है, नींबू पानी पी रहे हैं। एक और दोस्त आया है, थोड़ा हाइड्रेट हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पौंडीचेरी पहुँचने वाले, अभी नरेन बैठ कर रूम बुक करेगा, रूम बुक करते हैं फिर बाद में वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे नारायण ने रूम भी बुक कर लिया है, बस रूम का लोकेशन भी आ गया अपने पास, बस वो लोकेशन फॉलो कर रहे हैं अब। So
सो आखिरकार हम लोग पहुंच गए हमारी प्रॉपर्टी पर। बहुत नज़दीक ही मिला है अंदर, बस टोल से पहले लेफ्ट लिया फिर यहाँ पर ही मिल गया। और सिटी के अंदर जाने के लिए बहुत दूर पड़ेगा ये। सबकी उत्सुकता, सब मोबाइल देख रहे हैं अपना, किस किस का कॉल आया है सबको। गुड प्रॉपर्टी, चिल करने के लिए बहुत सुपर जगह है। और फॉरेनर्स स्विम कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं पूल को। तो आखिरकार हमको रूम मिल गया है, एक छोटा सा रूम का टूर दे रहा हूँ। कोजी सा एक छोटा सा रूम है, पर ठीक है लास्ट मोमेंट के लिए हमको मिल गया, वो बहुत बड़ी बात। ये एक रूम है, वो वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है, और सारे लौंडे लोग एक ही रूम में पड़े हुए अभी के लिए। सब बिस्किट खा रहे हैं फिलहाल के लिए, भूख लग रही है सबको, पार्ले जी खा रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा रेडी हो जाते हैं और रेस्ट ले लेते हैं, फिर बाद में चलते हैं पौंडीचेरी घुमाने के लिए। आखिरकार हम लोग हमारे गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं, अभी पौंडीचेरी घूमने के लिए निकले हैं। फिलहाल तो लंच करना है, लाइक लास्ट टाइम इसी टाइम पर पहुंचा था तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही। तो अब पौंडीचेरी की बीच के साइड में पहले जाएंगे रॉकी बीच के पास, या कहीं दूसरी जगह जाएंगे वो देखते हैं। आज DOP बना है प्रशांत, मेरा Insta360 पकड़ कर आ रहा है। अभी फिलहाल जा रहे हैं रॉक बीच, वहाँ पर अच्छे अच्छे कैफेज हैं, वहाँ पर खाना खाएंगे, थोड़ी देर चिल करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। गर्मी बहुत लग रही है, कहीं एक जगह बैठ जाते 4-5 बजे तक, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे पौंडीचेरी। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इस गर्मी में, इस हवा का रिलीफ बोल नहीं सकते हम लोग, बस टोपी नहीं उड़ जाए। बहुत ज़्यादा धूप है, गाड़ी चलाने के लिए नहीं हो रहा है। मोहन अपना शेड्स भूल गया बैंगलोरी, तो अभी फिलहाल वो एक शेड्स परचेज करने के लिए इस दुकान पर गया है। शेड्स लेते हैं फिर बाद में आगे निकलते हैं रॉक बीच की तरफ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब सहन शक्ति सब खत्म हो चुकी है, थोड़ा रिलीफ हुआ। सो यहाँ पर इस स्टोर पर आए हम लोग, टी शर्ट्स अच्छे अच्छे लग रहे हैं, शेड्स सेलेक्ट कर रहे हैं मोहन। सो आखिरकार हम लोग निकल गए हैं, छोटा मोटा शॉपिंग कर लिया है, अरे ने एक कैप ले ली, स्ट्रेट जाएंगे तो बीच है। सो आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं वापस, मैं वापस पहुंच गया हूँ रॉकी बीच पर, नरेन मोहन। सो इसको बहुत शांति हुई स्पेक्स मिलने के बाद, आधे घंटा तो स्पेक्स लेने में टाइम वेस्ट कर दिया उसने। तो ये एंड है रॉक बीच का, यहाँ से वहाँ पर गांधी जी का एक स्टैचू है, उस तरफ वहाँ पर गांधी जी का स्टैचू है, इस तरफ आप देख सकते हो बीच, बहुत शांत है, टाइड्स भी नहीं है। लास्ट टाइम सनराइज देख नहीं पाया था, मगर आई गेस इस बार मैं सनराइज देख पाऊंगा। हालांकि चलते जा रहे हैं, सुबह से बस घूमना ही हुआ है, पेट के लिए कुछ खाना नहीं हुआ है। आखिरकार अपने को रेस्टोरेंट मिल गया है, बहुत बढ़िया वाला। अभी लंच करते हैं, फिर थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। 1 hour later इतना दूर चलने के लिए नहीं होगा, इसके लिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया है, क्योंकि गाड़ी हम लोगों की वो कॉर्नर पर खड़ी है। पौंडीचेरी में ऑटो राइड भी हो गया हमारे, सिर्फ मेरी वजह से उन लोगों को इतना दूर खड़ा कर लेकर आ गया मैं। लोग रेस्टोरेंट से निकले, फिर ऑटो लिए, ऑटो लेकर गाड़ी तक आए थे, क्योंकि गाड़ी कम से कम 2 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दिए थे हम लोग, और वो मेरी गलती थी कि मैं कुछ और रेस्टोरेंट दिखाते दिखाते आगे चले गया था। अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग ऑरोविल बीच, पता नहीं बीच कैसा है, मगर गूगल मैप के हिसाब से रेटिंग्स बहुत अच्छा है, तो वो बीच भी देख लेते हैं। पीछे मोहन और प्रशांत आ रहे हैं और मैं नरेन के साथ आगे बैठा हूँ। ये है पौंडी की खूबसूरत गलियाँ, यहाँ पर मैप डाल लिया है। तो आखिरकार हम लोग पहुँच गए ऑरोविल बीच, पब्लिक यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा मज़ा आएगा। ब्यूटीफुल बीच है ये, एक पाथवे इधर तक बनाया हुआ है ऐसे,
और हमारी गाड़ियाँ उधर खड़ी है, और प्रशांत मेरे लिए आज इंस्टा 360 पकड़ रहा है। यहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डीप भी हो सकता है यहाँ पर। अभी फिलहाल अरोवेल बीच से हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ी देर टाइम पास किया, थोड़े अच्छे से फ़ोटोज़ लिए, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए। आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, मैं सबका आईडीज़ इंस्टाग्राम का मैं डाल दूंगा। नारायण रेडी हो गया है, मेरी सीट पीलियन है, मोहन आगे चाह चुका है। चलिए बस अब रूम पर जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, बैटरी भी लो है।